नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विश्लेषण करेंगे सोना को लेकर। भारतीय आभूषण की परंपरा की जब हम बात करते हैं तो सोना को बहुत विशेष दर्जा यहाँ प्राप्त है। शादी विवाह या किसी प्रकार का शुभ काम जब हम अपने देश में देखते हैं, चाहे किसी धर्म और जाति से जुड़े हुए लोग हों, सोना को लेकर खासकर बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है। यूं कहें कि हमारी परंपरा में सोना को एक संपत्ति का भी दर्जा प्राप्त है। हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि आड़े टेढ़े वक्त में सोना काम आएगा, लेकर रख लो। लेकिन मेरा प्रश्न है, या आप सभी का एक साधारण सा प्रश्न है, कि कैसे हम समझें कि सोना शुद्ध है हमारा। पहले जो आपने सोना लेकर रखा है उसकी मैं अब बात नहीं करने जा रहा हूं। वर्तमान में अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और अगर आप सोना खरीदते हैं, तो अभी 16 जून 2021 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोने की शुद्धता को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब हॉलमार्क लगाना सभी व्यापारियों को अनिवार्य रहेगा। कुछ कंडीशन इसमें भी हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो में आप देखें कि इसके एनालिसिस को मैं किस तरीके से आपके पास बताता हूं। नवंबर 2019 में ही एक कानूनी रूप से इसको पारित करने की बात कही गई थी कि सोने के खरीदारी में हॉलमार्क का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ कारण बस ये टलता रहा। बीच में कोरोना काल आ गया और भी टल गया। जनवरी में भी इसको लेकर थोड़ा सा बात बढ़ा, लेकिन फिर टल गया। लेकिन अभी उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 16 जून को सुबह में वर्किंग सिस्टम के दौरान उन्होंने ट्वीट किया और बताया, आज से 256 जिलों में, आज से, जी हाँ, कुछ लिस्ट उन्होंने जारी किया है। उस 256 जिलों में सभी व्यापारियों को हॉलमार्क लेना सोने की बिक्री में अनिवार्य कर दिया गया है। घबराए नहीं, कुछ और भी जानकारी इसमें मैं ऐसा दूंगा जिसमें आपको लगेगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि सोना जो है उसकी शुद्धता को लेकर हमेशा एक, बोलते हैं ना कि संसा का विषय बना रहता है, कि सोने को अशुद्ध सोना बोले जनरली भाषा में, या हम लोग साधारण भाषा में 24 कैरेट के सोने को हम लोग शुद्ध मानते हैं। उससे पहले 22 कैरेट, उससे पहले 18 कैरेट की भी हम बात कर लें। क्या आपको पता है कि आपके सोना में कितनी शुद्धता है? अगर आप 22 कैरेट 24 कैरेट सोने की बात करते हैं तो तकरीबन उसमें 91.56% के आसपास, मतलब 91.5 आप मान लें के आसपास उसमें शुद्ध सोना होता है। बाकी उसको बनाने के लिए, उसको सांचा में डालने के लिए, नए नए डिजाइन बनाने के लिए सोना के मिश्रित जो धातु हैं उसका उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से 18 कैरेट अगर सोने की आप बात करें तो उसमें 75% शुद्ध सोना होता है, बाकी अन्य धातु उसमें मिलाए जाते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम अगर अपने सोने को अगर हम हॉलमार्क लगाना चाहते हैं, या फिर जो हॉलमार्क लगता है उसकी पद्धति क्या है। शुद्धता की जांच करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेस्टिंग लैब होते हैं, उसके माध्यम से सोने की शुद्धता की जांच होती है। अगर आपके सोने का हॉलमार्क लगता है तो उसको चार तरीके से गुजरना पड़ता है। पहले BIS, उसके बाद सेकेंड फेज में जो टेस्टिंग लैब है, उसके बाद वो कितना कैरेट का है, और जो व्यापारी बेच रहा है, ये चारों के अप्रूवल के बाद आपका हॉलमार्क वहां पास होता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आप जाने कि 256 जिलों में अगर लागू होता है तो आपका जिला उसमें से है या कब आने वाला है। हालांकि व्यापारियों में इसको लेकर थोड़ा सा रोष है कि अचानक इतनी जल्दी बोझ को डाल दिया जाएगा। अगर हम व्यापारी किसी गांव में रहते हैं या ऐसे जगह में रहते हैं जहां पर हमारा टेस्टिंग लैब नहीं है, तो मुझे सामान लाने और ले जाने में छिनतई का डर, चोरी की डर, डकैती की डर, लूटमार का डर हमेशा हमारे साथ, इस तरह का डर एक बना रहता है। घबराए नहीं, आपके लिए थोड़ा सा छूट है। वैसे व्यापारी जो 40 लाख से कम का टर्नओवर करते हैं, 40 लाख से कम का यदि टर्नओवर जो व्यापारी करते हैं, उन्हें अभी इस छूट से बाहर रखा गया है। दूसरी बात रखी गई है, सरकार का कहना है कि धीरे धीरे करके हम स्लैब वाइज अन्य जिलों में भी इसको लागू करेंगे। एक आंकड़ा आपको पता है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि भारत में तकरीबन 3.5 से 4 लाख के आसपास सोना के व्यापारी हैं, लेकिन उनमें से बहुत मात्र 39,000 कुछ संख्या में ही यह अभी BIS से अप्रूव्ड है।
या हॉलमार्क को लेकर ये काम करते हैं। एक बात और आप जान जाए, अभी तक मात्र 30% ही सोना की खरीद बिक्री में हॉलमार्क का यूज हो रहा है। इसका मतलब जब आप शुद्धता की बात करते हैं तो हॉलमार्क का होना जरूरी है। पुराने सोने को आप घर पे रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसको बेचने जाएंगे, बेचते समय भी जो आपको दाम मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन जब उस सोना को गलाकर फिर नया सोना बनाया जाएगा, वैसे कंडीशन में उसमें हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। बस ये एक फर्स्ट कॉलम में सबमिट कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी ने कानून बनाते समय इस बात को ध्यान रखा है कि 40 लाख टर्नओवर से कम के जो व्यापारी हैं उनको थोड़ा सा अभी राहत दिया गया है। हॉलमार्क आखिर जरूरी क्यों है, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, हॉलमार्क एक जरूरी क्यों है। सर्वेक्षण की जब आप बात करेंगे या परीक्षण की बात करेंगे तो आप ये जान लें, यह हमेशा से एक संशय का विषय है और सरकार इसको लेकर थोड़ा सख्त है, आपका सोना शुद्ध होना चाहिए। अगर आज 1 ग्राम आप सोने की बात करते हैं तो तकरीबन 5 से 5,500 रुपए आपको लग जाता है। 10 ग्राम सोने की बात करते हैं तो 50,000 से 55,000 लग जाता है। अगर दुकानदार कहीं से थोड़ी सी भी गलती करता है या हेर फेर करता है तो उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है और खरीदने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जनहित में यह कार्य करने का एक प्रयास हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा और मुझे लगता है आपको हमेशा हॉलमार्क सोना को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आपकी संपत्ति है और बुजुर्गों की बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आड़े टेढ़े वक्त में सोना काम आता है। तो है ना, हॉलमार्क्स आपके काम की चीज, घबराएं नहीं। और हॉलमार्क इसलिए लें कि अगर 100% का सामान वापसी 100% नहीं तो 90-95% तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि लेते वक्त 100% और बेचते समय 50%, वापसी या किसी और कंडीशन में वो 25-30%। इससे बचाने के लिए सरकार का एक पहल है और काबिले तारीफ है। मुझे लगता है हॉलमार्क का सोना ही आने वाले समय में अपनी जगह हम सभी के दिलों में बसा पाएगा। तब तक के लिए मैं उमेश आप सभी को शुद्ध सोना खरीदने के लिए शुभकामना देता हूं।